आज का एहतजाज तो आप ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से महरूम रखा गया है और हमारे जो बुनियादी हकूक हैं इनसे हमें दूर रखा गया है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पिछले 5 साल से यहाँ नहीं है। जहाँ हम लद्दाख करगिल के लोगों को मुबारक करते हैं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में उन्होंने ये बता दिया कि 5 अगस्त 2019 को जो ट्रैफिकेशन उन्होंने की रियासत की और जो उसके बाद इकदाम उठाए गए वो गलत थे और वहाँ उन्होंने जवाब दे दिया इसका। हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो है वो मर रही है और मैं कहूँगा कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क जिसके सरबरा मोदी साहब हैं और मोदी साहब के कौलो फेल में आपने देखा होगा कि 5 साल में कितना तजाद आया है। यहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब मोदी साहब पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा कि हम डिलिमिटेशन की जो ये कार्रवाई है इसके फौरन बाद जो इलाकाई डिलिमिटेशन हो रहा था उसके फौरन बाद हम इलेक्शन करवाएंगे और आज देख लें आपके तमाम कंट्रीज़ में बाकायदा तौर पर इलेक्शन किए जा रहे हैं। हमें यहाँ असम्बली का इलेक्शन तो दूर, जो बुनियादी एक जमहूरियत में एक बुनियादी डेमोक्रेसी की एक जो बेस है, डेमोक्रेटी का बेस पंचायतें हैं, आपका अर्बन डेवलपमेंट है, आपने तमाम वो इलेक्शन जो हैं कैंसिल कर दिए, आपका यहाँ कोई इलेक्शन प्रोसेस यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले को लेकर हमने ये कहा कि जहाँ डेमोक्रेसी जो है वो अंधेरे में जा रही है, जहाँ जमहूरियत जो है उसका कत्ल हो रहा है, जहाँ का सरबरा जो है वो कहते हैं कि बरगस्ता जज्दाओं से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है, जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को यह गुजारिश करूंगा कि इस मैंडर की भारी बहादुरों की धरती से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके कॉल ऑफ फेल में तनाज है मोदी साहब। एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क का जो सरबरा अगर उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। मैं ये कहूँगा कि आपको इस बात का डर है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो है हम इस मुल्क इस रियासत जम्मू और कश्मीर जिसका आपने स्टेटस तोड़ दिया हुआ है कि हम इसमें अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, इसमें हम बरसरे इक्तदार नहीं हो पाएंगे। तो आपने यहाँ 1,50,00,000 आदमी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का आपने सर कलम कर दिया है। तो हम ये इस आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके साथ जो जितने भी अलायंस और पार्टीज के लोग हैं वो उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि हम जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करेंगे, यहाँ की जो लूट मार है उसको हम ख़त्म करेंगे, यहाँ की जो करप्शन है हम उसको ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, नौजवानों के साथ इस्तेसाल हो रहा है उसको हम ख़त्म करेंगे, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है उसका सदबाव करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा, इसको क्या स्टैंड रहेगा, किसमें कब तक ये जारी रहेगा ये सब? हमने इंशाल्लाह ताला मेंडर से शुरू करेंगे दिसंबर में कि हम अगर दिसंबर तक ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहाल नहीं की जाती हैं, पंचायतों के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, यहाँ अर्बन डेवलपमेंट के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल नहीं किया जाता है, असेंबली के इलेक्शन नहीं किए जाते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी जमातें जो हैं बाहर निकलेंगे, मुकाबला करेंगे, इस अवाम दुश्मन सरकार का मुकाबला करेंगे। और मैं ये ऐलान करूँगा कि इंशाल्लाह ताला इनका नाम और निशान जो है वो इस पूरे देश से मिटने वाला है, वो इंशाल्लाह मिट जाएंगे और यहाँ डेमोक्रेसी का जमहूरियत का